नमस्कार। वसीम बरेलवी साहब की एक लिखा हुआ एक एक्चुअली गज़ल या पोयम कह लीजिए, मुझे कल मिला। कल रात में मैंने पढ़ा और मेरे रोंगटे खड़े हो गए इसको पढ़ के। तो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए, बिकॉज़ इट्स लाइक कि मेरा जो पर्पस है ये 100 सॉन्ग्स का, जो हमारे हमारे जीवन का, इट्स लाइक जीवन जीवन को जीने का तरीका बताने वाले सॉन्ग्स, और जो लाइफ है क्या, कितनी सारे कलर्स है ज़िंदगी में, कितने सारे एक्सपीरियंसेस हैं, ये गाने उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कहीं ना कहीं ज़िंदगी का जो पहलू होता है, कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ हम कभी भी नहीं कर पाते, मतलब अच्छे या बुरे। अच्छे एक्सपीरियंस हर कोई चाहता है कि हमें हो, और बुरों से हम भागते हैं। एवरीबडी स्केयर्ड, इवन आई एम स्केयर्ड। तो बात यह है कि इमोशंस के कई सारे कलर्स होते हैं, और हमें उससे हमारे जीवन को, हमारा जो जीवन होता है, उन एक्सपीरियंसेस से वो शेप होता है। आप कह सकते हैं कि ज़िंदगी अच्छी रही या बुरी रही, 80 साल के आदमी से आप पूछिए हाउ वॉज़ योर लाइफ, तो उनको जैसा महसूस होगा जीवन में, उनकी भावनाएं जैसी रही होंगी, जो अनुभव रहेंगे रहे होंगे, उसके हिसाब से वो बता पाएंगे कि मैं खुश रहा जीवन में, या मुझसे मैं क्या सीख मैं देना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें। तो इमोशंस प्ले अ ह्यूज रोल, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी कैन फील, वी कैन एक्सप्रेस। सो हमारे ज़िंदगी की जो क्वालिटी है वो, उसे इम्प्रूव इन्हांस करने में इमोशंस प्ले अ ह्यूज रोल। एंड और जब इमोशंस को हम सप्रेस करते हैं, तो फिर दैट कैन बी एक्सट्रीमली डिट्रीमेंटल ऑल्सो, बिकॉज सप्रेसिंग एन इमोशन विल ब्रिंग ऑल द नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अपनी भावनाओं को बता नहीं पाएंगे किसी को, अंदर अंदर दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, गुस्सा रहेंगे, ये सारी चीज़ें। तो खैर, मेरा जो पर्पस है वो मैं बता रही थी, और अब मैं गाने के बारे में बात करूँगी। वसीम बरेलवी साहब का लिखा हुआ ये गाना है। इसमें एक ऐसे इंसान के बारे में बात हो रही है जो, जिसके पास ही हैज़ ऑल द रीज़न टू ब्रेक इन टू पीसेस, गेट शैटर्ड, बट ही चूजेस टू नॉट ब्रेक एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ कह रहे हैं बरेलवी साहब कि क्या दुख है समुंदर को, क्या दुख है समुंदर को, बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आंख तक आ भी नहीं सकता। अब इस वाले पैराग्राफ में मुझे एक छोटा सा हंसता खेलता सुंदर सा परिवार याद आता है। मतलब ऐसे कई सारे परिवार होंगे, हमारे परिवार, आपके परिवार। जब हम छोटे होते हैं तो परिवार मम्मी पापा होते हैं, और जैसे कभी कभी लेट हो गया, जैसे हम जब जब बचपन में हम सिक्किम में रहते थे, इट वाज अ माउंटेन वाला एरिया, और वहाँ पे ज़्यादा देर तक रात में इंसान बाहर नहीं रह सकता, इट्स नॉट सेफ, बिकॉज देर विल बी वेरी पॉइजनस स्नैक्स माउंटेन्स में, एंड देन इवन जैकल्स, जंगली जानवर होते थे जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम, इट्स लाइक हम अंधेरे के पहले वी यूज़ टू बी इनसाइड द हाउस। अपना एक कैंपस होता था, कैंपस में भी पेड़ पौधे होंगे, बट दैट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू, बट दैट्स अ सुंदर ब्यूटीफुल रिजॉर्ट जैसा प्लेस, वैसे वहाँ वैसी जगह पर रहते थे हम। तो अपने एरिया में है तो कोई दुख तकलीफ़ की बात नहीं, कोई डर की बात नहीं है, लेकिन अगर आप बाहर हैं तो थोड़ा डर लगता था। देन इफ़ माई डैड वॉज गेटिंग लेट, एंड देन आई यूज़ टू प्रे, हे भगवान मम्मी पापा को शांति से अच्छे से पहुँचा देना, अच्छे से पहुँचा देना। तो और मान लीजिए अगर, मतलब इवन मम्मी पापा को कोई तकलीफ़ होती है बचपन में, तो बच्चों को कितना डर जाते हैं, बच्चे एकदम से डर जाते हैं, और कभी कोई उल्टी सीधी बातें कोई कह देता है ना कि अब तो कुछ, मतलब ऐसा, तो इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर द किड, बच्चे का मेंटल पीस के लिए इट्स एक्सट्रीमली डेंजरस। इट कैन अफेक्ट बच्चों के अंदर कुछ, इवन फियर को इंस्टिल कर सकता है वो चीज़ जो है, जो केयर फ्रीनेस होता है छोटे बच्चों में, दैट कैन जस्ट टेक इट अवे, स्टील दैट केयर फ्रीनेस अवे। तो यही बात है कि यहाँ पे कई बार कई सारी परेशानियाँ होती हैं माँ बाप को, लेकिन वो हम तक पहुँचने नहीं देते, दे डोंट इवन लेट अस रियलाइज कि फैमिली में क्या, देर ऑलवेज लाइक चीयरफुल, देर ट्राई टू गिव अस ग्रेट एक्सपीरियंसिस इन लाइफ ऑल द टाइम, द हैप्पीनेस इज एंड कम्फर्ट इज प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर मुझे वो समुंदर माँ बाप के जैसे लगते हैं कि अपने दुख को जो है वो अंदर ही रखते हैं, बाहर तक नहीं ला सकते, क्योंकि उनका दुख अगर
हम तक पहुंच गया ना, तो वी विल बी जस्ट स्केयर्ड, सो मच स्केयर्ड, बर्दाश्त ना कर पाए, बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे और दे विल बी जस्ट कन्फ्यूज एंड अफ्रेड एंड दे वॉन्ट बी एबल टू डियर. ऐसा नहीं हो सकता लाइक दैट. तो क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आँख तक आ भी नहीं सकता. तो देर इज़ अ चॉइस, लाइक ही हैज़ टू मेक अ चॉइस. देर इज़ नो चॉइस, देर इज़ द ओनली वन डिसीजन ही हैज़ टू टेक, दिस पर्सन हैज़ टू टेक, कि उसे स्ट्रॉन्ग बनना है. दिस इज़ वन काइंड ऑफ इमोशन. एंड देन इसके बाद द अनदर में वसीम बरेलवी साहब कह रहे हैं कि तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता. बिकॉज आई हैव, मेरा जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई है, मैंने बना के रखा है अपना स्टैंडर्ड, काफ़ी हाई बना के रखा है, मेरे उसूल हैं वो ऊँचे हैं. तो मैं अपने आप से तो उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद बनाया है, मुझे उस पर खरा उतरना है, लेकिन मैं दूसरों से नहीं कर सकता. इवन दो आई एम अटैच टू दोज पीपल, इवन दो आई एम अटैच टू देम, बट आई कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी विथ मी एंड देन एंड नॉट लीव मी. एंड इस बात में मुझे साहिल लुधियानवी साहब का एक गाना याद आता है, इसमें वो कहते हैं कि उतना ही ऊपर समझे कोई जितना साथ ही न धीर धरे. वही कह रहे कि जितना मिल रहा है ना उतने में खुश हो जाओ, उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे. तुम लोगों से मिलते जा रहे, लोग तुमसे एसोसिएट होते जा रहे हैं, जहाँ तक उनका कंसाइंस उनको अलाउ करता है, या फिर उनका, उनकी भी मजबूरियाँ रही होंगी, तुम्हारा साथ निभाने वालों की भी मजबूरियाँ रही होंगी, वो तुमको छोड़ के वो जाने का सोच रहे हैं या चले गए, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. जितना निभाया उतने के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, और कोई ना संगवरे, एनी वेज नो बडी इज़ गोइंग टू डाई विथ यू, एंड तक कोई भी तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला, सब मुसाफिर की तरह तुम्हारी ज़िंदगी में आएंगे, यू विल लर्न समथिंग फ्रॉम देम, अच्छे या बुरे लोग तुम उनसे सीखोगे, और वो तुम्हारे एक्सपीरियंसेस बन जाएंगे, और देट विल डिफाइन योर लाइफ के हाउ डिड यू फील अबाउट योर लाइफ. वही कह रहे हैं कि मेरा स्टैंडर्ड मेरा अपना है, मेरे उसूल मेरे अपने हैं, मैं किसी से उम्मीद नहीं करूँगा कि कोई मेरे साथ चले, लेकिन मैं चलूँगा अपने साथ. वसीम बरेलवी साहब कहते हैं, फिर कहते हैं कि प्यासे रह जाते हैं ज़माने के सवालात, प्यासे रह जाते हैं ज़माने के सवालात, किसके लिए ज़िंदा हूँ बता भी नहीं सकता. नाउ ये ऐसा पॉइंट है कि दुनिया देख रही है कि शायद आप बहुत स्ट्रगल, यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. जैसे आप स्टीफन हॉकिंस को देख लीजिए, दैट पर्सन वॉज फुल्ली पैरालाइज्ड, इवन फॉर, वो उनको बात करने के लिए भी मशीन की ज़रूरत पड़ती थी, मशीन यूज टू टॉक इन बिहाफ ऑन हिज बिहाफ, और उनका मतलब बट उन्होंने कितना साइंस के फील्ड में उन्होंने ही डिड अ लॉट, एंड ही इज़ वन ऑफ हिज काइंड एक्चुअली. जैसे हम थॉमस एल्वा एडिसन टेस्ला का नाम लेते हैं, वैसे हम स्टीफन हॉकिंस का भी नाम लेते हैं. तो उन्होंने अपनी सारी जो विषमताएं थी, यानी कि एडवर्सिटीज थी जो जीवन की, जो उनको पीछे खींच रही होती, उनको तो इवन डॉक्टर ने कहा था कि तुम 2 साल तक ही जियोगे, बट ही लिव्ड आई थिंक 80 ईयर्स और समथिंग लाइक दैट. तो उन्होंने वो सारी एडवर्सिटीज़ को हराते हुए वो जीवन में आगे बढ़ते गए. ऐसे इंसान के सामने हम क्या क्वेश्चन करेंगे, मतलब ऐसा इंसान जो किसी के सामने नहीं आ रहा, जिसका खुद का शरीर साथ नहीं दे रहा है. यहाँ पे उसके पहले वाले पैराग्राफ में बात कर रही थी कि इंसान तो मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे मैं हिम्मत वो कर, आई एम नॉट गिविंग अप. बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका शरीर ही जब आपका साथ नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं, यू आर स्पीकिंग थ्रू अ मशीन, मशीन स्पीकिंग ऑन योर बिहाफ. ऐसे टाइम पे लोग, कुछ लोग होंगे बेकी पूछेंगे यार इससे अच्छा तो ये मर ही जाता, मतलब देर आर सो मेनी पीपल. अब वो अपना ही He is a scientist. He did work in the field of science and all research. But there, at the same time, there are people
बहुत ज़्यादा मजबूर होते हैं कि वो बेड पे पड़ा हुआ है बेचारा। तो ये बातें जो हुई वो हेल्थ की हुई, और कुछ मेंटली इतने सारे प्रेशर होते होंगे जीवन में ऐसे कि लोग क्वेश्चन कर देंगे यार इसको देखो कितना सारा दुख है। इवन तो लोग कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ करते नहीं बट आ जाते हैं सिंपैथी जताने, बेचारे ये परेशानी है बेचारे कितना जा द पर्सन इज सफरिंग अ लॉट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपके अंदर जो हिम्मत है ना वो आपने कितना मुश्किल से बनाया है, लेकिन उसको तोड़ने के लिए भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं सिंपैथी जताने के लिए भी। लाइक सम इट्स लाइक सम हाउ यू आर ट्राइंग टू गेट ओवर द प्रॉब्लम बट पीपल आर कमिंग अगेन एंड अगेन एंड रिमाइंडिंग यू कि यार ये बड़ी परेशानी, मैं होते तो मैं नहीं कर पाती या मैं होता तो मैं नहीं कर पाता, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट वुड हैव बीन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मी, आई डोंट नो हाउ यू आर मैनेजिंग। तो प्यासे रह जाते हैं ज़माने के सवालात, इसका मतलब इसका अर्थ ये है कि लोग ऐसे ही चले जाते हैं खाली के खाली, बिकॉज जैसे वो आते हैं वैसे ही वापस चले जाते हैं। मेरी स्थिति बिल्कुल वैसी ही रहती है, मैं बिल्कुल टूटता नहीं हूँ किसी के सवालों से, और ना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि किसी को जवाब देना कि मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ ये। और मैं क्योंकि किसके लिए ज़िंदा हूँ ये बता भी नहीं सकता, लोग ना नॉट एवरीबडी इज़ ऑपरेटिंग द फ्रीक्वेंसी यू आर ऑपरेटिंग थ्रू, मतलब हमारा जो लेवल ऑफ थॉट्स है दैट्स कॉल्ड लाइक वाइब हम कहते हैं ना, कि किसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है आपकी तो वो आपकी वाइब मैच कर रही है, दैट्स ऑल्ड लाइक फ्रीक्वेंसी इज मैचिंग, और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। तो बहुत सारे लोग समझेंगे भी नहीं, मैं बताना भी नहीं चाहता बिकॉज उसके बाद बहुत सारे सवाल उठने लग जाएंगे, दे मे स्टार्ट टू जज, सो आई डोंट वॉन्ट टू से। तो लोग ऐसे खाली के खाली चले जाते हैं, ऐसा जैसे समझ लीजिए जैसे रिपोर्टर्स हैं किसी का इंटरव्यू लेने के लिए और वो कहता है नो आंसर नो क्वेश्चंस, अब क्वेश्चन कर भी दो तो मैं आंसर नहीं दूंगा, वैसे ही प्यासे के पैसे रह जाते हैं ज़माने के सवालात और हम नहीं जवाब देंगे, आई चूज नॉट टू आंसर लाइक दैट, आई कीप इट विद इन माई सेल्फ, मुझे किसी को जस्टिफाई नहीं करना है, हर कोई समझ भी नहीं पाएगा। और फिर उसके बाद बस वसीम बरेलवी साहब कहते हैं कि घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, यस घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, मैं हूँ कि चिरागों को बुझा भी नहीं सकता। अब रातों के पुजारी का मतलब ये होता है कि दोज पीपल हू ब्रिंग डार्कनेस इन योर लाइफ एक्चुअली, मतलब वो सारी बातें करेंगे जिससे आपको इतना छोटा सा महसूस होगा, मतलब आपको लगेगा यू फील इनसिग्निफिकेंट। एट द सेम टाइम स्वामी विवेकानंद यूज टू से दैट कि तुम भगवान के बच्चे हो, किसी से कम नहीं हो, यू आर द लाइट मोर एक्नॉलेज, मतलब अपने आप को एक्नॉलेज करो, अपने अच्छी क्वालिटीज़ को, अपने सारे जो निराशा है मन के अंधकार को निकाल के फेंक दो, फिर तुम देखो कि तुम क्या कर सकते हो। तो एक वैसे हैं कि स्वामी विवेकानंद जैसे, क्योंकि उन्होंने खुद वैसा किया, और कहते हैं ना कि जब तक आपका कार्य ख़त्म नहीं होता तब तक रुको मत, करते रहो लगे रहो नो मैटर व्हाट हाउ मच इट टेक्स। तो कह रहे हैं कि जो लोग निराश करने वाले लोग जो है ना वो बहुत सारे होते हैं। अब जैसे मुझे याद आ रहा है एक फ्रेंड याद आ रही है, शी वॉज माई स्कूल फ्रेंड, 10 साल पहले की बात है, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से तो मैं कर ही रही थी जितना मैं कर सकती थी, बट वन डे शी कॉल्ड, एक्चुअली वट शी वॉज डूइंग वट शी यूज टू डू ऑलवेज गिव मी मिस्ड कॉल्स, वो फ़ोन कभी नहीं करती थी, उसको मिस्ड कॉल ही करना होता था, और मैं सोचती थी कि क्योंकि फ़ोन मेरे पास नहीं होता, ठीक है, जब है हाथ में तो मैं देख रही हूँ कि हाँ ये मिस्ड कॉल किया था इसने, फ़ोन नहीं किया था, अब मैं कहीं बाहर हूँ या फिर फ़ोन दूसरे रूम में रखा हुआ है तो मुझे मिस्ड कॉल मिले, 2-3 मिस्ड कॉल, मैं सोचा अरे बाप रे इसने मुझे फ़ोन किया एंड आई वॉज नॉट देयर आई शुड कॉल बैक। तो वैसे ही बट लेटर आफ्टर सो मेनी एक्चुअली ईयर्स आई रियलाइज दैट, मतलब मंथ्स आई रियलाइज कि दैट वॉज नॉट यूज टू बी कॉल, दैट वॉज अ मिस्ड कॉल। लोगों को आपको समझने में भी टाइम लग जाता है, मतलब कि जो इंसान आपके लिए 1 रुपया भी नहीं खर्च करना चाहता वो आपको आपके लिए अच्छा क्यों सोचेगा। तो खैर एक दिन ऐसे उससे बात हुई मेरी, जब मैं सोचती थी कि वो कॉल कर रही है मिस्ड कॉल नहीं, तो वो कहती है मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही थी एंड शी वॉज ऑल्सो डूइंग समथिंग आई डोंट नो टीचिंग का या कुछ वो कर रही थी अपना, वो क्या मुझसे कहती है कि यार हम लोगों से कहाँ होगा, हम लोगों से नहीं होगा ना, फालतू में तुम वो कर रही हो, होने वाला नहीं है, हम जैसे लोग थोड़ी ना क्लियर कर पाते हैं, मतलब
उसका जो है, मैंने तो उसको नहीं कहा कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा, छोड़ दो, मत करो, यू विल रिमेन लाइक अनएम्प्लॉयड बिकॉज यू आर लाइक तुम्हारे पास उतना दिमाग नहीं है. लेकिन लोगों को देखिए वो कैसे बात करते हैं कि हम लोगों से नहीं हो पाएगा तो तुम रहने दो, नहीं होगा. तो वही है कि ऐसे तो आपको चुनना है कि आप किन लोगों के साथ रहना चाहते हैं, कौन लोग आपके लिए बेहतर हैं, या फिर आप खुद ही अपने लिए बेहतर हैं. वो भी बहुत बेहतर है कि आप खुद अपने आप को अंदर से मोटिवेट करते हैं, आपको किसी तीसरे चौथे पांचवे की ज़रूरत नहीं है, यू आर इनफ फॉर योर सेल्फ. तो यहाँ पे वो दोस्तों की बात हो रही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि घर ढूंढ रहे हैं मेरा रातों के पुजारी, जो मन में अंधकार डालने वाले और जो निराश करने वाले लोग, निराश करने वाली बातें करने वाले लोग भी हैं, वो लोग ऑलवेज रेडी टू डीमोटिवेट मी. लेकिन मैं तो हूँ चिरागों का, मतलब लेकिन मैं जो हूँ ना वो रातों की पुजारी हूँ और मैं चिरागों का पुजारी हूँ. मैं तो चिरागों को बुझा भी नहीं सकता, मैं नहीं बुझाने दूंगा, नो मैटर व्हाट दे से. मुझे आई हैव टू कीप ऑन गोइंग, मैं आई विल नॉट गिव अप लाइक दैट. जिसको जो सोचना है जो करे, मुझे पता है, मुझे अपना कैलिबर पता है और मैं गिव अप नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे अंदर जो चिराग है वो मैंने जलाया है, वो किसी और के फोर्स से नहीं जल रहा है. दैट्स मोर स्ट्रांग. आई हैव लिट दैट फायर इन साइड मी, आई नो द रीज़न. कहते हैं ना कि रीज़न आप जानिए आपने क्यों स्टार्ट किया कोई काम लाइक दैट. तो कोई मुझे नहीं तोड़ सकता, मैं बुझा भी नहीं सकता. अब ये ऐसे बार बार क्यों कह रहे हैं कि मैं ये नहीं सकता, मैं वो नहीं सकता, मतलब आंसू की तरह आँख तक आ नहीं सकता, हर शख्स मेरा साथ निभा नहीं सकता. अच्छा चलिए, ये दैट वॉज स्ट्रांग एक्चुअली, आई फील इट, दैट्स स्ट्रांग, स्ट्रेंथ की वाइब आती है. और किसके लिए जिंदा हूँ बता भी नहीं सकता, अब मैं हूँ कि चिरागों को बुझा भी नहीं सकता. अब सकता सकता बार बार, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता. अब इसमें ये चीज़ आती है ना कि बिकॉज मे बी शायद एट सम पॉइंट ही इज़ ऑल्सो फीलिंग लाइक गिविंग अप. तो यहाँ पे वैसे इंसान की बात हो रही है कि जिसके पास बहुत सारे कारण है कि वो अपने लिए काम करना छोड़ दे, अपने मेंटल हेल्थ के लिए, अपने बेहतरी के लिए, जो उसको अल्टीमेटली पीस ऑफ माइंड देंगी और एक पर्पजफुल लाइफ देंगी, उसके लिए वो काम करना छोड़ देते बस हज़ार रीज़न. लेकिन वहाँ पे ही चूजेस नॉट टू गिव अप. इसीलिए यहाँ पे ऐसा है कि ये जो निराशा के पॉइंट पे वो बात कर रहे हैं कि मैं निराश, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं कर नहीं सकता, नहीं करूँगा. और उसके बाद जो लास्ट वाला जिसका पैराग्राफ है कि वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता कि मेरा जो दिल है वो प्योर है. एंड आई लुक फॉर द ऑथेंटिक इमोशंस एंड ऑथेंटिक पीपल, आई एम नॉट लुकिंग फॉर द पीपल हु फेक या प्रिटेंड विथ मी. तो ये कह रहे हैं कि अगर तुम एक सच में, इफ यू आर एन ऑथेंटिक पर्सन, कि जो तुम अंदर हो वो बाहर भी हो, जो तुम बाहर हो वो अंदर भी हो, तो तुम्हारा एक आंसू भी ना मुझे ले जाएगा, मतलब मैं पूरा पिघल जाऊंगा अगर एक आंसू में. आई वुड बी रेडी टू डू एनीथिंग फॉर योर हैप्पीनेस. मैं तो ऐसा इंसान हूँ कि मुझे एक सच्चा, एक इनोसेंट इंसान का एक कतरा आंसू का मुझे बहा ले जाए, उसको कुछ एक शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं. अगर इफ़ आई सी द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑथेंटिसिटी इन दैट पर्सनस पर्सनैलिटी, आई एम ऑल देयर फॉर हिम और हर, उसकी मैं मदद करूँगा, उसके लिए मैं खड़ा रहूँगा. अदरवाइज मैं कोमलता को कहिए तो मैं इतना कोमल हूँ कि एक आंसू तक मुझे पिघला दे, और कठोरता को कहिए तो मैं इतना ज़्यादा कठोर हूँ कि कोई तूफान मुझे हिला भी नहीं सकता. तो इट्स मी अल्टीमेटली, मैं अपनी ज़िंदगी मैं खुद रूल कर रहा हूँ, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा, मैं खुद कंट्रोल कर रहा हूँ. सो आई फाउंड इट एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग एंड वेरी मोटिवेटिंग काइंड ऑफ सॉन्ग. सो मुझे लगा मैं ये आई शुड इंक्लूड इन दिस माई लाइक 100 सॉन्ग्स ऑफ जो जीवन की परिभाषा को बताते हैं और तय करते हैं. सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.